हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2024 जीप रैंगलर रूबीकॉन। ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, रूबीकॉन है। आप यहां पर इसका नाम देख सकते हो, 66.65 लाख रुपीस इसका एक शोरूम प्राइस है। बाकी रेंज जो है रैंगलर की स्टार्ट हो जाती है 62.65 लाख रुपीज से। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मेजरली हम बात करने वाले इस टॉप एंड वेरिएंट के बारे में, क्या कुछ यहाँ पर इसमें ऑफर किया जाता है वो सब ना आपको डिटेल में बता रहा हूँ पूरी वीडियो के अंदर, तो जरूर से वीडियो के लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले आप यहाँ पर इसकी फ्रंट में ग्रिल देख सकते हो, 7 स्लॉट ग्रिल आपको मिल जाती है जो कि जीप की है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है, थार के अंदर भी लोग ये लगवा लेते हैं। बाकी हेडलैम्प यूनिट आपको यहाँ पर इसमें पूरा LED में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर प्रोजेक्टिव यूनिट दिया गया है जिनका कि थ्रो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर यहाँ पर इसमें साइड पर ऑफर किए जाते हैं, फॉग लाइट्स आपको यहाँ नीचे मिलेंगे एंड ये भी आपको पूरी LED में ही मिल जाती है। बाकी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आ जाएंगे एंड यहाँ पर नंबर प्लेट एरिया एंड ओवरऑल फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ आपको कंप्लीट देखने को मिल जाता है जो कि ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थार 5 डोर भी आ रही है, उसके जो लुक्स हैं सेम यहीं से ही पूरे कॉपी के जा रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। साइड में आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर रूबीकॉन वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाता है मड टेरेन टायर्स जो कि आते हैं अलॉय व्हील्स के साथ। काफ़ी ज़्यादा प्यारा डिज़ाइन है यहाँ पर इनके अलॉय व्हील्स का भी एंड टायर्स आप देख सकते हो कितने मोटे मोटे कितने चौड़े चौड़े यहाँ पर टायर्स हैं। टायर प्रोफाइल मैं आपको बता चुका, टायर प्रोफाइल आपको मिल जाती है यहाँ पर इसमें 225/75R17 ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स ऑब्वियसली आपके यहाँ मिलेंगे ही। बाकी यहाँ पर इसमें जीप की बैचिंग दी गई है और यहाँ पर आप देख सकते हो ORVMs इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट फोल्ड हो जाएंगे। इंडिकेटर्स भी यहीं पर इसी के ऊपर दिए जा रहे हैं, यहाँ पर वही आपको टिपिकल इसमें वो दिए जा रहे हैं, मतलब प्रॉपर ऑफ रोडिंग फील देने के लिए। एंड ये आप देख सकते हो, ये है इसका एंटीना पतला सा, वाइपर आप देख सकते हो, हुड आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट ये आप इसका रिमूव भी कर सकते हैं, मैट ब्लैक कलर के अंदर आपके बेसिकली देखने को मिलता है, पूरा पार्ट आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, पूरी कन्वर्टेबल भी इसको बना सकते हैं, डोर्स तक इसके रिमूव हो जाते हैं। आपने वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी, रील्स वगैरह इसकी, तो वो एक चीज़ है। यहाँ पर डोर हैंडल्स मैट ब्लैक कलर के अंदर आएंगे जैसे कि आपको रूफ मिल जाती है। बाकी लोग आप देख सकते हो साइड से ऐसा कुछ है, ग्रीन टिंटेड ग्लासेस आपके यहाँ पर इसमें ऑफर किए जा रहे हैं। और ना यहाँ पर आप पीछे का भी व्हील कंप्लीट देख सकते हो, बॉडी क्लाडिंग आपको मिल जाती है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। बाकी पीछे की तरफ आपको यहाँ पर इसमें LED के अंदर टेल लैम्प्स मिल जाएंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड नीचे भी 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, कैमरा आपको मिल जाएगा पीछे की तरफ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ प्लेस है। एंड 360 वगैरह वो सब अभी फिलहाल नहीं आता है। रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर आपके यहाँ सब कुछ मिल जाता है। बाकी लुक आप देख सकते हैं ओवरऑल इसका ऐसा कुछ आपको मिलने वाला है बैक साइड से, एंड ऐसा कुछ यहाँ पे लुक है इसका ओवरऑल। बाकी अब एक बारी खोल लेते हैं इसका हुड एंड बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। करें तो यहाँ पर आपको इसके अंदर मिलता है 2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि इसके अंदर प्रोड्यूस करता है 265 PS की पावर, साथ ही साथ निकाल कर देता है 400 Nm का टॉर्क, 12 की यहाँ पर इसकी एयर है, क्लीन माइलेज है। बाकी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर इस इंजन से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मिल जाती है, इंसुलेशन भी आपको यहाँ पर इसमें प्रॉपर प्रोवाइड की जाती है। बाकी ना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी कार के लिए इन्वॉल्व के क्रश जेल कैन के बारे में। ये परफ्यूम एक बहुत ही ज़्यादा सूदिंग एंड स्वीट सी फ्रेग्रेंस ऑफर करता है जो कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट सा एहसास दिला देती है आपकी कार के अंदर। यहाँ पर आपको इस परफ्यूम से स्ट्रॉबेरीज एंड मिक्स बेरीज वगैरह की फ्रेग्रेंस मिल जाती है जो कि सही में बहुत ज़्यादा प्यारी। ऊपर यहाँ पर इसमें फ्रेग्रेंस कंट्रोल लिड भी एंड जेल टेक्नोलॉजी है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी लीकेज का इसमें डर नहीं है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो ज़रूर से जाकर इसे बाय करें, लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड प्लस भी इस फ्रेग्रेंस है ना आपको प्यारी हो जाएगा और इसे आप किसी भी कार के अंदर यूज कर सकते हैं। बाकी ऐसी है बड़ी बड़ी कार्स के लिए बनाया गया ताकि आगे रखो और लास्ट तक इसकी फ्रेग्रेंस फैल जाए। और अब हम चेक कर लेते हैं इस कार का बूट एरिया, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसको ओपन करने का ऑप्शन, यहाँ से ऐसे कुछ ओपन कर पाएंगे आप इसे। टिपिकल स्टाइल है ऐसे ही साइडवेज ओपन होगी ग्लास को, फिर आपको उसके बाद ऐसे मैन्युअली ओपन करना पड़ेगा। 5 सीटर कैटेगरी में आती है तो यहाँ पे बूट स्पेस ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। बाकी रियर सीट्स भी है ना आप यहाँ पे 60-40 स्प्लिट वे में इसमें फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है 12 वॉट्स का पावर आउटलेट जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड यहाँ पर आपको हुक्स वगैरह मिल जाते हैं सामान वगैरह कस के पकड़ के बंद रखने के लिए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो पर ऐसा कुछ यहाँ सेटअप है, लाइट यहाँ LED में दी जा रही है और यह तो मैंने आपको बताया पूरा रिमूवेबल पार्ट है। और इसको फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं एंड लुक आप देख सकते हैं ऐसी कुछ आ जाएगी इसको बंद करने के बाद। और अब हम चल लेते हैं कार के अंदर एंड देखते हैं कि कैसे कुछ इंटीरियर्स इस कार में ऑफर किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये इसका डोर पैड जो कि आपको यहाँ पर इसमें कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है एंड ब्लैक कलर के अंदर पूरे इंटीरियर आपको मिलेंगे, रेड स्ट्रेचिंग के साथ ही आते हैं एंड स्ट्रेचिंग भी ना काफ़ी अच्छी दिखी है। लेदर पैडिंग है
ओवर भी हम सब इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। हीटेड ओवर भी हम आएंगे इसके अंदर, डोर हैंडल ऐसा कुछ है, लॉक अनलॉक ऑप्शन आपको मिलेगा। नीचे यहाँ पे अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस है, डोर अपनी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, बट एक डिसअपॉइंटमेंट जो आपको लगेगी मैनुअल एडजस्टमेंट सीट्स, इलेक्ट्रिक देन चाहिए यार इतने पैसे ले रहे हो, ये एक चीज़ लगती है यार यहाँ पे कम। बाकी ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट कुछ ऐसा कंप्लीट आपको इस कार का देखने को मिल जाता है। और थार फाइव डोर की अगर हम बात करते हैं थोड़ी डिटेल में, तो थार फाइव डोर का डिज़ाइन लगभग सेम से ही आने वाला है, कुछ कुछ पिक्चर्स के अंदर वो इससे भी ज़्यादा बड़ी लग रही है ओवरऑल देखने में। 2 लीटर का इंजन इसमें, 2 लीटर के उसमें मिलता है, बट वही है जीप तो जीप ही रहेगी, चाहे जितना मर्जी कॉपी कर ले महिंद्रा वाले, बट वही है इंडिया के अंदर वही ज़्यादा चलने वाली है, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सेम लुक्स मिल जाएंगे अगर, या इससे थोड़ी और अच्छी या बड़े साइज़ की लुक्स मिल जाएंगी अगर आप 1/3 प्राइस पॉइंट के अंदर, तो कौन ही उसको छोड़ना पसंद करेगा। बाकी तो जो चलाने में फील है इस गाड़ी का वो नेक्स्ट लेवल है। एंड अब हम चलते हैं कार के अंदर। तो गाइस मैं चुका हूँ कार के अंदर, एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अब हम बात कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर्स के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं इस कार का इग्निशन ऑन। आपके यहाँ पर इसमें मिलता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच, इसको जैसे आप प्रेस करोगे आपकी कार का इग्निशन ऑन हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ये आपको देखने को मिलता है। सेंटर में इसकी MID स्क्रीन, एंड इस साइड पर आपको यहाँ दिया गया स्पीडोमीटर, यहाँ पर मिलता है इसका RPM मीटर। बहुत ही ज़्यादा यार पावरफुल इंजन इस कार में मिलता है, मैंने पर्सनली ड्राइव भी की हुई है तो मेरे को पता है कितना बढ़िया कितना तगड़ा पंच यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा लेदर आप स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है जीप की बैग यहाँ सेंटर में, इधर आपको मीडिया एंड टेलीफोनी कंट्रोल्स दिए गए, और ना यहाँ पर इसके पीछे भी आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम वगैरह कम ज़्यादा करने के लिए, और इस साइड पर भी आपको सेम उसी का सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसके अंदर हेडलैम्प के लिए टॉगल ये आप देख सकते हैं, और बाकी इस साइड पर आपको यहाँ पर इसमें मिल जाता है वाइपर्स के लिए टॉगल, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको एक AC वेंट मिल जाता है, जो कि है इसमें सर्कुलर डिज़ाइन के अंदर। नीचे आपको यहाँ पे हेडलैम्प्स को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। कैबिन के इल्यूमिनेशन, हेडलाइट का लेवल भी आप यहीं से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर फॉग लाइट्स का ऑप्शन दिया गया। नीचे स्पीकर है। बाकी ओवरऑल क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है इस कार की। एंड ओवरऑल थर्ड साउंड तो आपने सुन ली, यहाँ पर भी ऊपर स्पीकर दिया गया। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच फिनिशिंग लेदर पैडिंग पूरी इसमें देखने को मिलती है, राइट स्ट्रेचिंग के साथ ही आपको पूरा एरिया देखने को मिलता है। स्क्रीन आप देख सकते हो कुछ ऐसी आपको मिल जाती है, एंड ओवरऑल इंटरफेस भी आप देख सकते हो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्लेस यहाँ पर सपोर्ट करती है। बाकी तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको सेटअप मिलने वाला है। नेविगेशन आएगी इसके अंदर, आप यहाँ पे लगा सकते हो जहाँ पे भी आपको जाना है। बाकी मीडिया के अंदर भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे FM हो गया, AM हो गया, ब्लूटूथ, और यहाँ से आप सोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। AC वेंट्स इसके पता ऐसे क्यों रहते हैं, ये पूरे आप ऐसे बंद कर सकते हो, ताकि ना मतलब कभी बारिश का टाइम हो रही है, कभी खुल रही हो छत, तो भी आप इसे यूज़ कर पाओ। मतलब पूरी एक तरह से ना वाटर प्रूफ काइंड ऑफ इंटीरियर इस कार में ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको सभी के सभी इसमें कंट्रोल्स मिल जाते हैं AC के, जो कि आप देख सकते हैं ड्यूल जोन AC आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको वॉल्यूम के लिए कंट्रोलर भी मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें आपको दिया गया पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने का स्विच, स्क्रीन ऑफ करने के लिए ऑप्शन, एंड और भी आपको यहाँ पर इसमें बाकी ड्राइव रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल है, ऑटो इंजन ऑन ऑफ है, यहाँ पर आप देख सकते हो सीक्रेट लाइट पोर्ट आपको मिल जाता है। मीडिया वाले पोर्ट के अंदर देखते हैं, यहाँ पर Type-C पोर्ट दिया गया, साथ ही Type-A पोर्ट है, USB का पोर्ट आपको साथ मिल जाता है, और यहाँ पर आपको इसके अंदर पावर विंडो के स्विचेस मिल जाते हैं। प्लेसमेंट देखो यार कितनी ज़्यादा बढ़िया यूनिक सी लगती है, ओवरऑल इस तरह से वर्क करेगा, एंड अच्छी क्वालिटी के बटन्स वगैरह पूरे यूज़ किए जा रहे हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट और रियर डिफरेंशियल लॉक के ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऑफ रोड ऑन ऑफ ये सब आपको मिल जाता है। यहाँ पर स्टोरेज स्पेस दी गई है, ऐसा कुछ यहाँ पर आपको इसमें गियर लिवर मिलेगा, और यह है इसका 4x4 का पूरा कंट्रोलर। एंड ये मैनुअल वाला ना मेरे को पर्सनली ज़्यादा बढ़िया लगता है, जो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जैसे स्कॉर्पियन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक दिया जाता है, उससे ये मैनुअल वाला शिफ्ट मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हैंड ब्रेक के ऊपर भी काफ़ी प्रीमियम स्टिचिंग आपको मिल जाती है, 2 बॉटल होल्डर्स है, पीछे आपके यहाँ आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। इसके अंदर आपके यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दी जा रही है, जो कि काफ़ी कम है वैसे यहाँ पर, और इसके नीचे यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा और स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी। यहाँ पर एक Type-A पोर्ट भी दिया गया फास्ट चार्जिंग के लिए, बाकी ऐसे कुछ आप इसे यहाँ यूज़ कर सकते हो। और एडजस्टमेंट की बात करें तो इसको आप आगे पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, एक तरफ फिक्स आपको दिया जा रहा है। बाकी सीट्स यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसी आपके यहाँ लेदर के अंदर सीट्स मिल जाती है, रूबीकॉन की बैजिंग आपके यहाँ देखने को मिलेगी, ब्लैक कलर के अंदर आपके यहाँ पर पूरी सीट्स दी गई हैं, रेड स्टिचिंग है, रैंगुलर की बैजिंग आपके यहाँ मिल जाएगी,
एंड एयर बैग्स आपके यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे ऑफर किए जाते हैं। फ्रंट में आपको एयर बैग्स मिलता है, सीट्स पे आपको एयर बैग्स मिल जाए, डोर हैंडल वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो इसका ना, ये कुछ आपको यहाँ पर ऐसा ऑफर किया जा रहा है। लॉक अनलॉक भी यहीं से आप कर पाएंगे गाड़ी को। और यहाँ पर इसमें ऑटो डिमिंग IRVM इस साइड पर आप यहाँ पर इसमें वैनिटी मिरर मिल जाता है जो कि आता है लाइट्स के साथ। और इस साइड की अगर हम बात करते हैं तो इस साइड भी आपको वही सेम सेटअप देखने को मिल जाएगा। और इसकी पूरी छत आप खोल सकते हो, मतलब ये देख रहे हो हुक्स लगे हुए हैं यहाँ से मतलब ये सारे ओपन करके ना आप हटा सकते हो। बाकी यार अभी शोरूम के अंदर तो थोड़ा खोलना इसका मुश्किल है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ग्लव बॉक्स मिलता है थोड़े कम साइज का, बट ठीक है। एंड ओवरऑल साउंड क्वालिटी भी ना कार की अच्छी खासी आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पर भी आपको जीप बनी हुई इसमें देखने को मिल जाती है। और कीज ऐसी कुछ है यहाँ पर इसके अंदर, लॉक का ऑप्शन है, अनलॉक का ऑप्शन है। पीछे आप यहाँ पर देख सकते हो जीप की पैचिंग है, फ्लिप की आपको यहाँ पर इसमें दी जाती है, जिसका कि कोई बेसिकली काम नहीं है क्योंकि ये आती है इंजन स्टार्ट स्टॉप के साथ। और अब हम चल लेते हैं बैक सीट में, देखते हैं कि बैक सीट में क्या कुछ इसमें ऑफर किया जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी बैक सीट के बारे में। तो गाइस सबसे पहले तो ये है इसका बैक डोर जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है। एंड ये भी पूरा ब्लैक कलर के अंदर ही है। लेदर पैडिंग आपको यहाँ मिल जाती है, यहाँ पर इसमें मैप पॉकेट दी गई है कपड़े वाली। एंड डोर हैंडल ऐसा कुछ है, अंदर एंटर करने के लिए कुछ इतनी जगह मिल जाती है अंदर। यहाँ पर इसमें तीन हेडरेस्ट आ जाएंगे और सेंटर में यहाँ पर आर्मरेस्ट भी आएगा। बाकी तो ऐसा कुछ सेटअप है, यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, इसमें पावर विंडो के स्विचेस हैं, यहाँ पर 150 वॉट का मतलब आप अपना फ़ोन लैपटॉप पे चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर USB टाइप सी टाइप ए पोर्ट सब कुछ देखने को मिल जाता है। एंड ये आप देख सकते हो। बाकी डैशबोर्ड लेआउट कुछ ऐसा कम्प्लीट आपको मिलने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। यहाँ पर लाइट्स LED में आपको मिल जाती हैं, स्पीकर्स यहाँ दिए गए हैं और पीछे भी आपको लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाती है। एंड ओवरऑल सीट्स वगैरह तो कम्फर्टेबल है इस कार की, बट अंडर थाई सपोर्ट कम है, नो डाउट आपको कम लगने वाला है। मेरे को भी पर्सनली कम ही लग रहा है अभी, मेरी 8.6 फीट फॉर रेफरेंस। नी रूम लेग रूम हेड रूम में आपको कमी नहीं फील होगी। बाकी एड्रेस जो है वो आप अपने हिसाब से एड्रेस वगैरह प्रॉपर कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और अब हम चल लेते हैं फिर से बाहर एंड अब बात कर लेते हैं इसके इंक्लूड प्राइस के बारे में। तो गाइस इस पर्टिकुलर कार जीप रैंगलर रूबिकॉन का एक शोरूम प्राइस 66.65 लाख रुपीज़, और ये आपको ऑन रोड चंडीगढ़ के अंदर पड़ने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 72.5 लाख रुपीज़ की। आपको ये कार कैसी लगी मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा इन्वॉल्व के क्रश चेलकान का, जिससे कि जाकर आप ज़रूर सवाई कर ले ताकि आप भी मेरी तरह अपनी कार के अंदर एक मस्त सी फ्रेग्रेंस का मजा ले सके। बाकी इतने रखते हैं वीडियो के लिए, वीडियो पसंद आई हो जरूर से वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी और डिटेल्ड वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।